जी, तो फैसल भाई कहाँ पे जा रहे हैं आप? अब हम नीचे मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। यहाँ पे बैचलर्स रहते हैं ना, इसलिए लिफ्ट बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो कौन से फ्लोर पे हैं आप? अभी 9th फ्लोर पे हूँ, 9th फ्लोर में रहता हूँ मैं। जी जी, वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। और दोनों लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर हैं, और दोनों आई थिंक एक साथ ही आ रही है। देखे रेस लगाती हुई, रेस देखते हैं। चलें देखें, एक पीछे रह गई और एक बहुत आगे निकल चुकी। चलें तो मिलते हैं फिर आपसे नीचे जाके। आ चुके हैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे, तो चलते हैं भाई, आओ। चलें जी, फैसल भी मिलते हैं आपको। अलनादा का ये वाला एरिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी। यहाँ पे बिरयानी, चाय, लस्सी, रावी रेस्टोरेंट भी है, पाक दरबार भी है, फिली भी है, और यहाँ पे वीकेंड में और वैसे भी बहुत तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे आपको डिलीशियस किस्म की फूड अवेलेबल होती है। यहाँ पे जो सबसे फेमस है टी जंक्शन है, वो टी स्टॉल है और काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और चाट एंड कुल्फ़ी वाला, क्या मज़े के उसके खाने होते हैं वहाँ पे। आपको दही भले, चना चाट, कुल्फ़ी, चपाती, सालन, हर चीज़ अवेलेबल होती है। सो मस्ट विज़िट दिस प्लेस। ये देखे जी, मेरे साथ ये दो लफंगे भी हैं, ये दोनों ये भी साथ मेरे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे चाट एंड कुल्फी वाला, और वहाँ का खाना आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत शबीयत ठीक है? आए इधर तो आए। यहाँ कितने अर्से से चल रहा है चाट एंड कुल्फी वाला? 4 साल हो गया ना। 4 साल हो गया ना, और आप यहाँ पे ही होते हैं? हाँ जी, तो है। सुना है यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है? पराठा होता है, कुल्फी होती है। पराठे कौन कौन से मिलते हैं? आलू का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, कीमे का पराठा, कीमे का पराठा, अंडे का पराठा, सादा पराठा। और सालन में क्या क्या होता है? सालन यहाँ अच्छा लगा हुआ देख। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की, चिकन, गोभी, गोभी, आलू गोभी, मतलब कड़ी पकौड़ा, सरा हर चीज़ तकरीबन अवेलेबल है। और इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे हम मतलब डिलीशियस चीज़ में और क्या आती है खाने के अलावा, रोटी के अलावा? खाने के अलावा चाट आइटम आप लगा हुआ देख सकते हैं। क्या क्या नाम है इनका? ये आप देखिए, दही बड़ा, मसाला पूरी। अच्छा, यानी कि पाकिस्तानी और इंडियन दोनों खाने हैं यहाँ पे, मतलब मसाला मिक्सचर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने बंदे तकरीबन राउंड काम करते हैं? यहाँ पे 10 से 12 बंदे काम करते हैं। अच्छा, और डिलीवरी भी है? जी। कितने सर्कल में आपकी डिलीवरी होती है? अलनादा 1 पूरे में, पूरे अलनादा 1 में होते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, और ज़बरदस्त हो गया। और इसके अलावा कोई कुल्फ़ी वगैरह स्पेशल नाम लिखा हुआ है इसका? ये क्योंकि इसका नाम चाट एंड कुल्फ़ी वाला है ना, तो इसलिए वो ज़रा मेंशन करना है कि वो कुल्फ़ी भी यहाँ अवेलेबल होती है और रीज़नेबल भी बहुत है। अच्छा अच्छा, ये कुल्फ़ी भी अवेलेबल है जी, बेहतरीन देसी। अच्छा, क्या बात, और रीज़नेबल प्राइस में है ये? और पराठे का क्या सिचुएशन होती है कि कितने दिन में तकरीबन पराठा होता है आपका? आलू पराठा 4 दिन तक मिल जाते हैं। हाँ,
और सब्जी का पराठा 5 दिरहम में, कीमे का पराठा और रोटी कोई अवेलेबल होती है आपकी? या चपाती भी होती है, साथ में तंदूर भी लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं? वेरी गुड, चलें बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात, यहाँ पे हर चीज़ आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगी, फ्रेश जलेबियाँ, फ्रेश समोसे, फ्रेश पकौड़े, एवरीथिंग इज़ फ्रेश। तो और सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतना साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट और हर चीज़ बिल्कुल आपको फ्रेश मिले यहाँ पर।